हेलो जी वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बात करेंगे इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो कि फुल फंडेड है और किस तरह से अप्लाई करना है क्या प्रोसीजर है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी और इसके क्या बेनिफिट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे ये कहूँगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है आप इसकी वेबसाइट पर आ सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा डायरेक्ट इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी जा सकते हैं तो ये जो स्कॉलरशिप है ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की स्कॉलरशिप है आप इसको अप्लाई करेंगे ये फुल फंडेड स्कॉलरशिप है और 139 थर्टी नाइन कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड है जो कि अप्लाई कर सकती हैं अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और अगर नहीं भी है लेकिन अगर उसको आप मोटिवेशन लेटर के साथ अगर कवर करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्कॉलरशिप है वो हाईली प्रोफाइल वालों को मिले अगर आप एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखते हैं और उसमें सारी एक्सपेक्ट को जो है वो कवर करते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको भी मिल सकती है अच्छा ये स्कॉलरशिप कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये स्कॉलरशिप मास्टर पी और प्रोजेक्ट रिसर्चर जो है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इसमें वन कंट्रीज़ जो है वो इंक्लूड हैं और ये स्कॉलरशिप जो है वो फुली और ये आपके सारे एक्सपेंस जो है वो कवर करेगी इसमें आपकी रिकमेंडेशन मेडिकल इंश्योरेंस ट्रिशन फीसिस एंड सॉरी इसमें इंक्लूड है आपका फूड भी और ये आप स्टाइपन भी देंगे और इसके अलावा यहाँ पे आइल्स भी रिक्वायर्ड नहीं है अगर इसकी ये सभी को देखा जाए जो होस्टिंग कंट्री है वो इटली है और जो स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है ठीक है और अगर इसकी कवरेज देखी जाए तो उसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें हाँ एक्सपेंस जो है वो इंक्लूड होंगे और इसकी एलिजिबल कंट्रीज़ देखी जाए तो 139 कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश और इसके अलावा एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ इंक्लूड है और अगर प्रोग्राम ऑफर किए जाए तो ये मास्टर पी और रिसर्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो है वो ऑफर हो रही है तो इसकी डेड जो है वो फोर्टी जून है अब इसकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखा जाए तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं लेकिन लास्ट में देखिए तो आपको यहाँ पर ये जो अमाउंट होगी आपको नाइन थाउजेंड योरज़ जो कि ती, तीन तीन इंस्टॉलमेंट में मिलेगी पहली इंस्टॉलमेंट जो है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड और सेकंड जो है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड जो थर्ड होगी वो टू थाउजेंड योरज जो है वो आपको फाइनल इंस्टॉलमेंट मिलेगी और अगर इसकी एलिजिबल कंट्रीज़ को देखा जाए तो वो भी मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ और उसमें आपके जो भी कंट्रीज़ हैं आप जिस कंट्री से बिलोंग रख करते हैं उसको भी आप चेक कर सकते हैं तो ये मैं आपके सामने जो है वो एक का स्क्रीन पर आपको लिस्ट नजर आ रही होगी इसमें ऑलमोस्ट सारे ही कंट्रीज़ इंक्लूड है यहाँ पर हम जो है वो इंडिया को और बांग्लादेश को और पाकिस्तान को सर्च करेंगे क्योंकि जितने भी मेरे हाँ जो सब्सक्राइबर हैं वो इन कंट्रीज से भी हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिक्सटी वन पर देखिए यहाँ पे, पे इंडिया जो है वो इंक्लूड है और इसके अलावा जब हम यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं बांग्लादेश को और बांग्लादेश जो है वो भी यहाँ पर इलेवन नंबर पर है और इसके बाद हम देखते हैं अपने प्यारे पाकिस्तान को तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा पाकिस्तान कहाँ पर है और किस नंबर पर है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो भी इस लिस्ट में इंक्लूड है तो नाइन्टी फिक्स पर पाकिस्तान है तो आप अब जो है वो ये चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बांग्लादेश और इंडियन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा बहरीन लीबिया ये सब कंट्रीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं जो जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं अब इसकी कोर्सेज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज़ अवेलेबल हैं यहाँ पर अपनी फील्ड से रिलेटेड आप कोर्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे साइंसिस हिस्ट्री इसके अलावा इकनॉमिक्स और लॉ इस पर ऑल कोर्सेज़ जो है वो हैं वो अवेलेबल है तो आप अपनी फील्ड को चेक कर लीजिएगा और फिर इसके बाद आप जो है वो अप्लाई कर लीजिएगा इसके बाद यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटीज़ देखी जाएं तो यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूड हैं तो अगर आपका यहाँ पर एडमिशन हो चुका है तो यहाँ पर आप जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं और अगर नहीं भी हुआ तो बेस्ट चीज़ इस स्कॉलरशिप के अंदर ये है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है आप बिना एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपने जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है उन सब का भी मेंशन कर सकते हैं तो यहाँ पर अपनी जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो वहाँ पर आप जो है वो नाम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन में वो मैं यहाँ पर आपको आगे चल कर बताऊँगी कि कहाँ पर आपने जो है वो उसे मैंशन करना है यहाँ पर आलमोस्ट सारी ही यूनिवर्सिटीज़ कवर हो रही हैं स्कॉलरशिप के अंदर अगर इसकी एलिजिबलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो इस आपके पास पासपोर्ट और बैचलर डिग्री मस्ट होनी चाहिए और अगर एज की बात की जाए तो जो मास्टर वाले हैं उनकी शुड बी ट्वेंटी एट ईयर्स और पी वालों के लिए थर्टी एंड जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स वाले हैं उनकी फोर्टी होनी चाहिए इसके अलावा आप जो है वो इंग्लिश प्रोफेशन लेटर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास आयर्स है तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है आप उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और जो पी वाले हैं वो इस चीज़ से आज़ाद हैं उन्हें किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है विदाउट प्रोफेशन लेटर और आर्ट्स के अप्लाई कर सकते हैं अगर डॉक्यूमेंट्स की रिकॉयरमेंट देखी जाए तो यहाँ पर आपके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए यानी कि बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इसके अलावा मास्टर की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए इसके अलावा वही फिर दोबारा से बात आ गई है लैंग्वेज प्रोफेशन लेटर तो वो आपके पास मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे दो सी आपकी अपडेट होनी चाहिए यूरोप वहाँ होनी चाहिए इसके बाद अगर कोई पी के लिए अप्लाई कर कराए या रिसर्च प्रपोजल है तो वो यहाँ पर रिसर्च प्लान वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फिर आपकी जो है वो यहाँ पर मोटिवेशनल लेटर जो कि बहुत रोल अदा करेगा उसको आपने यहाँ पर ज़रूर अपलोड करना है और किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ अगर आपने इसकी वेबसाइट पर जाना है तो आपने विजिट ऑफिशियली वेबसाइट पर क्लिक करना है और अगर आपने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पर जाना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है अब चलते हैं इसके रजिस्ट्रेशन पर कि आपने किस तरह से करनी है वो हमें आपको प्रोसीजर बता देती हूँ यहाँ पर अप्लाई करके तो सबसे पहले आपने यहाँ पर्सनल डेटा पर आ जाना है और सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्स्ट नेम और उसके बाद हम लिखेंगे सरनेम तो यहाँ पर सरनेम लिखने के बाद आपने डेट ऑफ़ बर्थ पर आ जाना है जो भी आपकी डेट ऑफ़ बर्थ है आपने चेक करके लिखनी है सम टाइम स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं तो यहाँ पर आपने जेंडर स्टेक कर लेना है और उसके बाद आपने डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पर लिखनी है और उसके बाद आप फ़ोन नंबर लिखेंगे इसको मैं आपको फिल करके ही दिखा देती हूँ कि किस तरह आपने इसको फिल करना है तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नेम पर आ जाना है और यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है और इसके बाद आप सर नेम लिखेंगे और सर नेम लिखने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद हमने यहाँ पे, पे आया। जो है वो अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे मैं रेंडम लिख रही हूँ तो आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है और फ़ोन नंबर लिखने के बाद फिर हमने नेक्स्ट चले जाना है सिटीज़नशिप पर और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है आप जिस कंट्री से इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जिस कंट्री से भी हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पे स्टेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रही हूँ आपका जो भी होगा वो आपने सेलेक्ट करना है इसके बाद यहाँ पर आपने रेजिडेंस कंट्री जो है वो आपने सेलेक्ट करना है तो जो भी है आपका वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी इसके बाद आपने जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर ऐड करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने जो अपना आई डी कार्ड यानी कि अगर, अगर आई डी कार्ड है तो वो अपलोड कीजिएगा और अगर आपका पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपने इसकी डिटेल्स जो है वो फिल करनी है डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना है नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है और अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर फिर आई कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करके उसका नंबर लिख सकते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर लिखना है और फिर उसके बाद आपने इशू पाया लिखना है किसने आपको इशू किया है और एक्सपायरी डेट लिखने के बाद यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट या सीएनआईसी अपलोड कर देना है इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है नेक्स्ट हमने जो है वो यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने जो है वो यूज़र नेम लिखना है कुछ भी आप लिख सकते हैं लेकिन अच्छा ये है कि आप अपना फुल नेम ही यहाँ पर लिखें इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ई एड्रेस जो है वो फिल करनी है और कन्फर्मेशन ई पर आ जाएंगे यहाँ पर आपने दोबारा से जो है वो रीटाइप करनी है और उसके बाद आप पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने जो है वो चेक पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने रिपोर्ट को बताना है कि आप रिपोर्ट नहीं हैं आप एक जीता जाता इंसान है उसके बाद आपने चेक पर क्लिक करना है और वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और रजिस्टर कर देना है इसके बाद आपने जो है वो साइन इन करना है अपना यूज़र नेम लिखना है पासवर्ड लिखना है और उसके बाद साइन इन करेंगे इसके बाद आपके पास जो है वो ई मेल में आपको ओ टी पी सेंड हो जाएगा वहाँ से आप उस नंबर को कॉपी करेंगे यहाँ पर पेज करने के बाद आप इसको सेंड कर देंगे तो इस तरह से आपकी जो अप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप साइन इन हो जाएंगे इसके बाद आपने माई अप्लीकेशन पर क्लिक करना है और क्रिएट योर अप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जब हम नेक्स्ट पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपका जो पर्सनल डेटा होगा वो ऑलरेडी फिल होगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जब फिल किया था तो वो ऑटोमेटिकली डेटा में सेव हो चुका है तो यहाँ पर हम इसको स्टोर करेंगे और अगर कोई फील्ड यहाँ पर रहती हुई तो हम उसको फिल करेंगे अदरवाइज़ हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी सारे फिर जो है वो फील्ड हैं तो फिर हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो सबसे पहले क्लिक करना है अगर तो आपने पहले कहीं से स्कॉलरशिप ली भी है तो आप यस करेंगे और अगर नहीं ली तो आप इसको नो करेंगे अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो आप यस करेंगे अदरवाइज़ नो करेंगे ठीक है इसके बाद आपने अपना सेलेक्ट जो है वो कोर्स करना है और इसमें जब आप हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने मास्टर के लिए करना है पीएचडी के लिए करना है या रिसर्च के लिए करना है तो वो आप यहाँ पे अपनी फील्ड अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे और यहाँ पर फिर आपने यूनिवर्सिटी नेम लिखना है और कोर्स नेम लिखना है अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है और अभी आपका एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आ रहा और गिवन लिस्ट में वो यूनिवर्सिटी इंक्लूड है तो फिर आपने यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया उस कोर्स का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर मैं एक रैंडम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेती हूँ जो कि लिस्ट में भी अवेलेबल हो तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ मजैना यूनिवर्सिटी को और उसके बाद यहाँ पर मैं सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करती हूँ आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी आप आपने सिटी जो है वो जाकर सर्च करना है गूगल से तो यहाँ पर आप वहाँ पे इसको पेश कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और जिस जिस कोर्स में किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर जब हम नेक्स्ट पर आएंगे तो यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है सबसे पहले आपने सी वी यहाँ पर अपलोड करनी है इसके बाद आपने जो है वो आपकी जो भी आपकी टाइटल है डिग्री का वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर करना है प्रोफेशनस लेटर आय जो भी है वो आपने ऐड करना है इसके बाद आपने यहाँ पे मोटिवेशन लेटर जो कि एक अच्छा मोटिवेशन लेटर होना चाहिए जो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कोई भी स्कॉलरशिप जो है वो अवेल करने का तो यहाँ पे एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर आपने अपलोड करना है इसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर है या कोई भी आपके पास इंटर्नशिप है उनको मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपने कोर्स लैंग्वेज जो है वो लाजमी आपने सेलेक्ट करनी है जिसमें भी आपने अप्लाई किया है तो कोशिश करें कि आप जो है वो इंग्लिश को ही चूज़ करें बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उन्होंने इटालियन uh, कोर्सेस को जो है वो अप्लाई कर दिया है और उनके पास जो है वो एडमिशन लेटर भी आ गया लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो अब जो है वो इटालियन सर्टिफिकेट शो करेंगे तो चाह कर उनको वो आगे वैसे इंटरटेन करेगी तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है जितनी भी आपने फिल किया वो इस तरह से शो होगी आपने चेक पर क्लिक करना है अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आपने फिर जो गिवन हैं उनको चेक करने के बाद आपने सेंड कर देनी है अपनी इस इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आपको ई के जरिए जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और फिर आप इस पोर्टल पर आकर अपना स्टेटस चेक कर लेंगे किसी भी तरह की की हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा